गुड आफ्टरनून आई होप यू आर डूंग हमने एक रेफरल uh, ड्राइव चलाया था स्टडी स्क्वेड राइट जिसका की नेशनल लेवल पे अनाउंसमेंट भी हुआ तो आपकी क्लास में स्टूडेंट है जिसने की वो स्टडी स्क्वेड में मैकबुक विन किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन राइट

बिल्कुल सही कहा ना मतलब मैं याद करता हूँ पता है सर की बात को भी मैं अपने टाइम से याद करूँ मैं जब पढ़ता था ठीक है तो बड़ा बोरिंग होता था जमाना ठीक है रिसोर्सेज की बहुत कमी थी है ना आज आपके पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज है है ना मतलब आज आपकी उम्र में बच्चा कुछ भी करना चाहे तो यू हैव एवरीथिंग ठीक है हर जगह आपके पास है हमारे टाइम अच्छे टीचर्स नहीं होते थे अच्छे टीचर्स होते थे तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता था है ना लेकिन अब द थिंग्स आर डिफरेंट और अन अकेडमी के एक साइड मतलब एक जो पूरे लर्निंग की हमारी पेडोगॉगी ना उसमें हम बच्चों को इंसेंटिवाइज करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन रखने के लिए बच्चों को है ना गेम्स बच्चों के साथ हम काफी खेलते हैं मोटिवेशन काफी करते हैं बच्चों को है ना स्ट्रेस बस्टर सेशंस बहुत होते हैं स्ट्रेटजी सेशंस बहुत होते हैं आप लोगों ने काफी सुने ही होंगे हमारे साथ ठीक है और काफी सारे ऐसे अवार्ड गिविंग प्रोग्राम्स भी होते हैं तो हमारा एक प्रोग्राम था स्टडी स्क्वाइड प्रोग्राम ठीक है पता है सबको क्या था स्टडी प्रोग्राम क्या था कि आप अपने दोस्तों को में अच्छी अच्छी बातें बताओ जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब बताओ ठीक है और फिर उसके बाद अगर आपके दोस्त अन अकेडमी में एडमिशन लेता है आपके रेफरेंस के थ्रू तो वो एक आपके रजिस्टर्ड लर्नर में आ जाता है है ना तो उसका एक स्टडी स्क्वाइड प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में पूरे देश में तीन लोगों को मैकबुक अवार्ड मिला है और आपकी क्लास इज द वन ठीक है पुष्टि के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए तो पुष्टि के लिए है ना पुष्टि वाज़ द लकी विनर ठीक है देखा था आपने लाइव एकदम अनाउंसमेंट हुआ था देखा था आपने <laughs> तो लाइव में अनाउंसमेंट में लकी विनर पुष्टि का निकला था एक कोटा से था और एक वाराणसी से था तो पुष्टि आ जाओ ठीक है लेट्स हैव अ स्मॉल सेलिब्रेशन यस yes. आजा पुष्टि आजा पुष्टि मैकबुक का क्या करोगे आप मेरे को दे दो <laughs> अभी तो <सो> छोटे आप <laughs> नहीं सर यूज़ अच्छा ही हो पढ़ाई अच्छा यूज़ आएगा अच्छा यूज 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 उसका हाँ।

और आपने उनको ऐसा क्या आपके एक्सपीरियंस थे अकेडमी के जो आपने बताया तो वो एडमिशन ली मेरा क्लासमेट है अमन वर्मा उसको स्कूल स्कूल क्लास बताया था कौन सा स्कूल विद्यासागर हाँ तो फिर हमारी से बातचीत चल रही थी पूछ रहा था क्या कैसा क्या रहता है तो मैंने बताया टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है फैकल्टीज भी बहुत सपोर्टिव है तो फिर उसने ट्राई किया और फिर ठीक है आपको की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है यहाँ पर अच्छा सपोर्ट रहता है सारी फैकल्टीज का भी और आ, सब चीज में वो सपोर्ट करते हैं स्टडीज में भी बहुत अच्छा मटेरियल मिलता है टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी रहती है क्या बात है जोरदार तालियां एक बार पुष्टि के लिए थैंक यू चल और कुछ